तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। तो फ्रेंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ ईशा का मकबरा के बारे में। मैं आपको बता दूँ कि ईशा का जो मकबरा है हुमायूं टॉम्ब्स के जो परिसर के अंदर है, इसके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें आपने सुनी होगी और आज भी मैं इसके बारे में बहुत कुछ ऐसे बातें बताऊँगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और ब्लॉग में बने रहिएगा। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। इस मकबरे का जो आकार है वो है अष्टकोणीय है और यह जो है लाल बलुआ पत्थर से जो है निर्मित है। शेर शाह सूरी के शासनकाल के दौरान यह 1547 से लेकर के 1548 ईस्वी में बनाया गया था। ईसा खान की मस्जिद मकबरे के पश्चिम में स्थित है, जो अन्य इमारतों के साथ हुमायूं मकबरे के परिसर के विश्व धरोहर के स्थल में शामिल है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे नोटिस बोर्ड भी लगा हुआ है। यहाँ पे भी ईशा खां के बारे में जो है प्रॉपर जो है दो बोर्ड्स हैं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, तो वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इसे भी रीड कर सकते हैं। तो फिर देख सकते हैं इसका बाहर का व्यू जो है काफ़ी ही खूबसूरत है। अभी जो है हम इसके अंदर जाने वाले हैं। तो ये देखते हैं छोटा सा जो है यहाँ से गेट बना हुआ है, इस गेट के अंदर से जो है इसका पूरा व्यू आप भी कैप्चर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ये दिखा रहा, देख सकते हैं यहाँ से कितना खूबसूरत व्यू यहाँ का है। फिर अंदर जैसे आप एंट्री करेंगे तो अष्टकोणीय भी यहाँ पे वर्क भी चल रहा है, डाउन आप जाएंगे तो साइड से भी वर्क भी चल रहा है और यहाँ से फोटोशूट के लिए लोकेशन जो है काफ़ी ही खूबसूरत है। और इसकी खासियत ये है कि फ्रेंड्स ये जो है सिर्फ इस पिलर के ऊपर ही ढले हुए हैं, यानी कि इस पे जो है छत जो है इसका वो सिर्फ इस पिलर के थ्रू ही ढला हुआ है। उसके जो सामने आपको ये वाला भी गुंबद दिख जाएगा, यहाँ पे भी आप फोटो वगैरह शूट करवा सकते हैं, जो यहाँ पे भी देखने में काफ़ी खूबसूरत है। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोकेशंस हैं, लेकिन लिमिट टाइम के साथ जो है आप लोग को बता रहा है, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। टेक केयर। अगर हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।